अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि हम अपने व्हाट्सएप से किसी का स्टेटस किसी भी सॉफ्टवेयर के बगैर कैसे कॉपी कर सकते हैं। जैसे कि मुझे किसी का स्टेटस अभी देखूं मैं और मुझे अच्छा लगे तो मैं उसे कैपे कॉपी करना चाहूं और बग़ैर सॉफ्टवेयर के कैसे ले सकता हूं। मैं ये ओपन करता हूं अपना व्हाट्सएप, ये मैं अपने स्टेटस में गया। यहाँ पर आप देखिए, ये मोहम्मद वकास, एम वकास के नाम से ये मैंने स्टेटस ओपन किया। अब यहाँ पर ये स्टेटस वीडियो है। ठीक है, ये हमने स्टेटस देखा। अब मैं चाहता हूँ मैं इसे कॉपी कर लूँ और मुझे मैसेज भी ना करना पड़े इसे कि भाई मुझे मैसेज ये स्टेटस सेंड कर दो, और ना ही मैं कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहता हूँ। मैं क्या करूँगा, बैक जाऊँगा। वापस जाने के बाद बिल्कुल मुझे यहाँ पे जाके फाइल मैनेजर में जाना है। ठीक है, फाइल मैनेजर में जाके मैं जाऊँगा इंटरनल स्टोरेज पर, सॉरी एसडी कार्ड में चला गया, ये मैं इंटरनल स्टोरेज में गया। इंटरनल स्टोरेज में जाने के बाद मैंने नीचे आना है, ये व्हाट्सएप का फोल्डर है, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद हम मीडिया पे क्लिक करेंगे। मीडिया पे क्लिक करने के बाद ये देखिए, यहाँ पे ये मीडिया के जो व्हाट्सएप के डिफरेंट फोल्डर हैं, इमेजेस और ऑडियो वगैरह के, ये आ जाएंगे। यहाँ पे हम ये थ्री डॉट्स का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हमने क्लिक करना है शो हिडन फाइल्स पर। हमने ये शो हिडन फाइल पर क्लिक किया, ये डॉट के साथ स्टेटसेस लिखा हुआ है। ये फोल्डर ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप में, जब व्हाट्सएप इंस्टॉल होता है तो ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है, लेकिन ये डॉट के साथ हाइड हुआ आता है। तो ये डॉट के साथ जो है वो मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, वो मैं लिंक आपको दे दूंगा और सजेशन में ऊपर वीडियो भी डाल दूँगा, आप चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। शॉर्ट सी वीडियो है, उसमें आपको क्लियरली पता चल जाएगा ये डॉट का ऑप्शन कैसे वर्क करता है और आप इसे मज़ीद कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए मैं आपको बता दूं, ये जब हम शो हिडन फाइल पे क्लिक करते हैं उसके बाद ये जो ऑप्शन आ जाता है, हमने जस्ट स्टेटसेस का फोल्डर ओपन कर लेना। अब मैंने क्योंकि वहाँ पे एक ही बाकी सबको म्यूट कर दिया और सिर्फ एक ही का स्टेटस जो है वो मैंने देखा है और उसी का डाउनलोड हुआ है, तो मेरे पास ये वीडियोज़ शो हुई हैं। मैंने कम इसलिए किया ताकि कन्फ्यूजन पैदा ना हो। आप जितने भी आपके पास स्टेटस होंगे जो वहाँ पे आपने देखे होंगे वो इस फोल्डर में शो हो जाएंगे। ठीक है, आपके मेरे यहाँ पे ये आइकन सिर्फ शो हो रहे हैं, थंबनेल नहीं आ रहा, मेरी पुरानी डिवाइस है। तो जो न्यू डिवाइसेज हैं उनमें ये थंबनेल भी साइड में शो होता है, जिससे पता चल जाता है कि कौन सी वीडियो हमने देखी थी और यहाँ से कॉपी करनी। मैं ये दो ही वीडियोज़ हैं, मैं इन्हें वन बाय वन चेक करूँगा, जो भी हमारी है जहाँ जो हमने वहाँ पर देखी थी वो दुरूद पाक वाली, तो वो हम कॉपी करेंगे इंशाल्लाह। मैं आपको चेक करवाता हूँ, ये मैंने प्ले की, नहीं ये नहीं है, इसके ऊपर वाली होगी, ये देखिए। ठीक है, ये हमने वीडियो वहाँ पे देखी थी। अब मैं इसको कॉपी करना चाहता हूँ, मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से जैसे हम दूसरे मोबाइल जो कोई भी और चीज़ कॉपी करते हैं सेम टू सेम वैसे ही, मैंने ये यहाँ से कॉपी पे क्लिक किया, बैग गया और मैं अपने इंटरनल स्टोरेज या एसडी कार्ड कहीं भी से कॉपी कर सकता हूँ। तो फ़िलहाल के लिए ये इंटरनल स्टोरेज पे क्लिक करके यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब ये देखिए एंड पे ये वीडियो मेरे पास आ गई है, मैं ये वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने इजीली कॉपी कर ली, कोई भी ज़्यादा इसमें साइंस रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। जस्ट हमने एक ऑप्शन मोबाइल के अंदर जो कि पहले से मौजूद है, हमने जस्ट वो यूज़ किया और हमने उसको यूज़ करते हुए ये कॉपी कर लिया। आप इसे चाहें तो अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये डॉट का ऑप्शन, शो हिडन फाइल का ऑप्शन, इसके मज़ीद जो इस्तेमाल हैं उसके लिए हमारी दूसरी वीडियो देख लीजिए, इंशाल्लाह आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको अच्छी लगी हो, अपने दोस्तों के साथ लिंक शेयर कीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।